क्वेश्चन 12th, द एलिमेंट एक्स वाई एंड जेड बिलोंग्स टू ग्रुप 2, 14 एंड 16 रेस्पेक्टिवली. देखो एक्स कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, ग्रुप 2 को. वाई किसको बिलोंग कर रहा है, ग्रुप 14 को, ठीक है. और जेड कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, 16 को, ठीक है. इन्होंने पूछा हमसे विच टू एलिमेंट विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स. देखो जो एक्स है ये क्या हो गया, एक मेटल हो गया, ये क्या हो गया, नॉन मेटल, और ये भी क्या हो गया, नॉन मेटल, है ना. तो कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाते हैं, नॉन मेटल्स बनाते हैं. तो आंसर क्या हो जाएगा, वाई एंड जेड विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड. नेक्स्ट पूछा है विच टू एलिमेंट फॉर्म एन आयनिक बॉन्ड. अब देखो जो ये वाई है ग्रुप 14 में, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 4. तो ये आयनिक बॉन्ड तो नहीं बना सकता, क्यों, ना तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करता ना ये इलेक्ट्रॉन लूज करता, है ना, तो ये तो नहीं आएगा. ये मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लूज कर सकता है. इसमें ग्रुप क्या है, 16 है. देखो जब ग्रुप 17 होता है और 18 होता है, 18 में तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 0, वो आउटर मोशल कंप्लीट होती फिल्ड, तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 0. इसकी वैलेंसी क्या होती है, 1. इसकी वैलेंसी क्या होगी, 2, ठीक है. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके अंदर, इसमें 8 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 60, इसमें क्या जाएंगे, 6, ठीक है. तो इसमें वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2. इसकी वैलेंसी क्या होगी, 4, और इसकी वैलेंसी क्या होगी, 2, ठीक है. हमसे क्या पूछा, विच टू एलिमेंट फॉर्म आयनिक कंपाउंड. अब ये और ये ही बनाएंगे दोनों, तो आंसर कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स एंड जेड. एक्स एंड जेड.